खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते भारत, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, देश दुनिया की हर खबर फटाफट हम तीनों आपके लिए लेकर आए हैं। जल्दी से आपको पूरे देश दुनिया की हर अपडेट पहुंचा देंगे, लेकिन शुरुआत हम करने जा रहे हैं लोकसभा से, जहां पर मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। मोदी ने मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति पर कांग्रेस को आईना दिखा दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम प्रधानमंत्री में राजीव गांधी के कार्यकाल में हुए शाहबानो केस वाले एपिसोड का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को अतीत से सबक लेने की सलाह दी। 35 साल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस के पास मौका आया है। हम बिल लेकर के आए हैं इस देश के नारी के गौरव को। जो उस समय साबानों का जब चल रहा था, उस सारे कारोबार में जो एक मंत्री थे, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में जो बात कही है चौंकाने वाली है। तब कांग्रेस के किसी मंत्री ने कहा था, मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। इफ दे वॉन्ट टू लाई इन द गटर लेट देम बी। और शाहबानो केस एक ऐसा मुद्दा है जिसने हर बार कांग्रेस को बैकफुट कर धकेला, और इस बार भी देखिए प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इसे मेंशन किया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने हमारी जिस खास सीरीज का जिक्र किया ना, उसका नाम था प्रधानमंत्री, जिसे दर्शकों ने खूब ज्यादा पसंद किया था। लेकिन आखिर मोदी एबीपी न्यूज की सीरीज में जिनका जिक्र कर रहे थे वो कौन है, ये भी जानिए। पीएम मोदी ने कल तीन तलाक के मुद्दे पर जिन पूर्व मंत्री का जिक्र किया, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में आरिफ मोहम्मद खान ने तीन तलाक के मुद्दे पर राजीव गांधी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। कल फिर से चर्चा गर्म होने के बाद आरिफ मोहम्मद खान ने पीएम के बयान की पुष्टि की और कांग्रेस पर लगाए अपने आरोपों को दोहराया, जिसमें कांग्रेस के एक नेता ने तीन तलाक के मुद्दे पर उनसे मुसलमानों के गटर में रहने वाली बात कही थी। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि बयान पूर्व पीएम दिवंगत नरसिम्हा राव का था। प्रधानमंत्री के नाम से एक सीरियल बनाया था, और देश में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसको उन्होंने कवर किया था। सबसे आखिर में नरसिम्हा राव जी आए। नरसिम्हा राव जी ने मुझसे कहा कि भाई तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो, शाहबानो ने भी अपना स्टेंस बदल लिया, तो उसने भी अपना बयान बदल दिया, तुम्हें क्या परेशानी है? और हम कोई सोशल रिफॉर्मर थोड़ी है मुसलमानों के, अगर वो गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। तो प्रधानमंत्री मोदी जब संसद में बोले तो कांग्रेस पर जमकर बरसे। दरअसल ये जो शाहबानो केस है, कांग्रेस के लिए बिल्कुल मुफीद बैठती है ये बात कि लम्हों की सजा सदियों ने पाई। समझना होगा हमें कि भारतीय राजनीति में शाहबानो केस क्यों इतना महत्वपूर्ण है और कैसे जब जब जिक्र आता है शाहबानो का, कांग्रेस आ जाती है सवालों के घेरे में। तीन तलाक का मामला जब भी आता है शाहबानो केस का जिक्र हो ही जाता है। आखिर क्या है ये केस जिसके दाग आज भी कांग्रेस के दामन से धुल नहीं पाए हैं? इस दाग का कीचड़ अतीत के पन्नों में है। साल 1978 में इंदौर की मुस्लिम महिला शाहबानो को उसके पति ने तीन तलाक दे दिया। शाहबानो के सामने पांच बच्चों समेत उसके भविष्य की गुजर बसर की चिंता थी। शाहबानो ने अदालत की शरण ली और न्यायिक मजिस्ट्रेट से लेकर हाई कोर्ट तक ने इस मांग को जायज मानते हुए फैसला शाहबानो के पक्ष में दिया। शाहबानो मामले में संविधान और मुस्लिम पर्सनल कानून के बीच टकराव के चलते सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पांच जजों की संविधान पीठ के हवाले कर दिया। चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 23 अप्रैल 1985 को फैसला शाहबानो के पक्ष में सुनाया। तत्कालीन गृह राज्य मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में संसद में 55 मिनट तक भाषण दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर पैदा हो गया और राजीव गांधी सरकार ने अदालत के फैसले को पलट दिया, जिसके बाद से अरुण नेहरू और नरसिम्हा राव आरिफ मोहम्मद खान को मनाने गए थे। इसी दौरान नरसिम्हा राव ने मुसलमानों को लेकर गटर का जिक्र किया। इस फैसले ने राजीव गांधी की नई सोच और प्रगतिशील विचारों वाली छवि को नुकसान पहुंचाया, और आज भी कांग्रेस शाहबानो केस से महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आती है, जिसका पीएम मोदी भी कई मौकों पर जिक्र कर चुके हैं।